दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो साइंस एंड रूल्स का जो हमने एक्टिविटी देखा था, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस, क्विज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक ऑनलाइन थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। तो ये उसी मॉड्यूल में से एक है। इसमें बहुत सारी पिक्चर्स देख सकते हैं। तो इस पिक्चर में पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग शुड व्हीकल ए इंडिकेट बिफोर पुलिंग इनटू ट्रैफिक। तो इसका आंसर है 5 सेकंड। तो 5 सेकंड तक इंडिकेट करना पड़ता है इससे पहले कि वो पार्किंग से मेन रोड पे आए। ठीक है, तो कब जब भी आप पार्क करते हैं, मेन रोड पे आने से पहले आपको 5 सेकंड तक कम से कम आपको इंडिकेट करना पड़ता है, उसके बाद आप मेन रोड पे आ सकते हैं। उसके बाद अगली पिक्चर के अंदर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू बिफोर अ लॉन्ग जर्नी। क्या हमें करना चाहिए एक लॉन्ग जर्नी से पहले, जब भी हमें गाड़ी, तो जितने भी आंसर सही है वो सिलेक्ट करो। पहला ऑप्शन है, इंश्योर यू आर वेल रेस्टेड। यस, आप वेल रेस्टेड होने चाहिए, अपना रूट आपको प्लान करना है और आपको ये देखना कि आपका व्हीकल सही से चल रहा है, काम करता नहीं करता, और फ्यूल पूरा है या नहीं है, सारी आप चेक करके उसके बाद आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक सिंबल दिया गया है, साइन दिया गया है। साइन क्या है? व्हाट मस्ट यू डू इफ रेलवे क्रॉसिंग लाइट्स बिगिन फ्लैशिंग। अगर रेलवे क्रॉसिंग लाइट फ्लैश करना शुरू कर दो, आपको क्या करना चाहिए? एक ही आंसर सही है इन चार ऑप्शन में, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्टॉप एंड वेट अंटिल द ट्रेन पासिस एंड लाइट स्टॉप फ्लैशिंग। ये हमारा जो काम होगा वो ये होगा, हमें रुकना है, देखना है जब तक ये लाइट्स फ्लैश करना बंद ना हो जाए, ट्रेन क्रॉस ना कर जाए। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। तो इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले पिक्चर में हमें दिया गया, व्हीकल ए वांट्स टू मर्ज इनटू ऑन टू अ फ्री वे, द ड्राइवर शुड, सो वी हैव टू सिलेक्ट ऑल द करेक्ट आंसर्स विच आर एप्लीकेबल हियर। तो पहला क्या है, मैच द स्पीड विद द ट्रैफिक इन द लेन दे वॉन्ट टू मर्ज इन टू। यस, हमें जिस लेन में जाना उस लेन की स्पीड के साथ हमें मैचअप करना चाहिए, हम ना स्लो चल सकते ना फास्ट चल सकते, और हमें इंडिकेट करना पड़ेगा, हमें इंडिकेटर ऑन करना पड़ेगा। हमें पहले अपनी इंटेंशन शो करनी होगी पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसके ड्राइवर को कि हम मर्ज करना चाहते हैं, नहीं तो पिछला जो ड्राइवर है, पीछे जो गाड़ी आ रही है, वो कंफ्यूज हो सकता है, तो हमें पहले इंडिकेट करना पड़ेगा। अगली पिक्चर में, डस व्हीकल नीड टू इंडिकेट व्हेन लीविंग द राउंड अबाउट। जब हम राउंड अबाउट से बाहर जाते हैं तो क्या हमें इंडिकेट करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? यस, इफ प्रैक्टिकेबल इवन इफ दे आर गोइंग स्ट्रेट अहेड, एक ऑप्शन ये है। नो, इफ दे आर गोइंग स्ट्रेट अहेड, नो, तीसरा ऑप्शन है। चौथा है, ओनली इफ दे आर लीविंग दिस। तो हमारा यस, हमें अगर प्रैक्टिकेबल है, अगर जरूर लगता है आपको, तो आपको इंडिकेट जरूर करना चाहिए, चाहे आप सीधा ही क्यों ना जा रहे हो। अगर आप लेफ्ट या राइट मुड़ते हैं तब तो आपको इंडिकेट करना ही है, लेकिन अगर आप सीधे भी जा रहे हैं तब भी आप जब एग्जिट करते हैं राउंड अबाउट को, तो आपको लेफ्ट इंडिकेट जरूर जरूर करना चाहिए। If practicable, you must always signal left when exiting a roundabout, even if you are going straight ahead. So this was the correct answer. Let us move to the next picture, which is this one. A railway crossing is shown here. A train passes over a rail crossing. The boom gates lift, but the lights are still flashing. What must you do? Rail pass कर चुके crossing से, boom gate open है लेकिन light flash कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको pass कर जाना चाहिए? क्या आपको जल्दी से गाड़ी निकाल लेनी चाहिए? या आपको lights का flashing stop होने तक wait करना चाहिए? Yes, आपको light का flash stop होने तक वेट करना चाहिए। ऑलवेज स्टॉप एंड वेट अंटिल द लाइट्स हैव स्टॉप्ड फ्लैशिंग बिफोर सेफली क्रॉसिंग द रेलवे क्रॉसिंग। अगली पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगली पिक्चर में देखते हैं क्या आंसर क्वेश्चन है। इनमें से किस सिचुएशन में हमें अपनी गाड़ी की हैजर्ड लाइट्स को ऑन करना चाहिए? पहला ऑप्शन है लेन चेंज करते वक्त, दूसरा है थिक फॉग में ड्राइव करते वक्त, तीसरा अगर व्हीकल ब्रेक डाउन हो गया, चौथा है अगर हमारा व्हीकल एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह है दूसरे व्हीकल के लिए। तो इसमें दो सिलेक्ट किए हैं, देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। हमने दो सिलेक्ट किए, नहीं, इसके इसमें अगर हमारा व्हीकल एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह भी है, धीरे चल रहा, तो भी हमें हैजर्ड लाइट ऑन करना चाहिए। चलिए अगली पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। शुड यू स्लो डाउन व्हेन द स्पीड इज रिड्यूस्ड फॉर रोड वर्क्स बट नो वर्कर्स आर प्रेजेंट। क्या आपको अपनी स्पीड को कम करना चाहिए रोड वर्क जब चल रहा है, और लेकिन वर्कर कोई प्रेजेंट नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है हाँ, हमें स्पीड को कम करना चाहिए। अगर वहां पे वर्कर नहीं भी है और साइन डिस्प्लेड है, तो हमें स्पीड को कम करना चाहिए, साइन के अकॉर्डिंग, रोड साइन के अकॉर्डिंग हमें स्पीड को कम करना चाहिए। अगले पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं।
हाउ लॉन्ग शुड व्हीकल ए सिग्नल बिफोर चेंजिंग लेन्स? अगर एक जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में व्हीकल ए को लेन चेंज करनी, तो कितनी देर तक उसको अपने इंडिकेटर को सिग्नल करना होगा? तो इसमें चार ऑप्शन है, चार में से कोई एक सही है तो हमें तब तक करना है जब तक कि दूसरा ड्राइवर हमारी इंटेंशन ना समझ ले। लॉन्ग इनफ वी हैव टू सिग्नल सो दैट अदर कैन अंडरस्टैंड आवर इंटेंशन दैट वी वांट टू चेंज द लेन्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्विज।